the Dawn Express, Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। देश में आज शनिवार अभी 3:40 तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 873 हो गई है तथा 19 लोगों की मौत हो गई है। अब हम अपने मीडिया जगत के साथ हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक फोटो जर्नलिस्ट की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान 42 वर्षीय गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। गजेंद्र परिवार के साथ मंडावली इलाके में रहते थे। गजेंद्र कई दिनों दैनिक अखबार के लिए फ्रीलांस फोटोग्राफर जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते थे। शनिवार रात परिजनों से किसी काम के बाहर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वह पूरी रात वापस नहीं लौटे। अगले दिन जब वो तलाश शुरू हुई तो वे संजय झील में घायल हालत में मिले। उनके चेहरे पर चोट के गंभीर निशान थे। गजेंद्र की दोनों आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। इलाज के लिए गजेंद्र को LBS अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन देर रात उन्होंने घर पर अपना दम तोड़ दिया। अगले दिन जब पोस्टमार्टम के बाद परिवार शव का अंतिम संस्कार करके घर लौटा तो सदमे से गजेंद्र के 84 वर्षीय पिता भवान सिंह की भी मौत हो गई। भवान सिंह भी कई बड़े समाचार पत्रों में फोटो पत्रकार रहे थे और उन्होंने कई अवार्ड भी जीते थे। पिता पुत्र की अकस्मात मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और गजेंद्र सिंह पर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को पता चला कि गजेंद्र के पास से उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है। पुलिस फ़ोन के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान कुछ ज़रूरी सेवाओं और लोगों को बाहर रखा गया है, जिनमें मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। बावजूद इसके लॉकडाउन पर रिपोर्टिंग के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला महाराष्ट्र के ठाणे के से सामने आया है। बता दें कि अंग्रेजी न्यूज चैनल ET नाव के डिप्टी न्यूज एडिटर उत्कर्ष चतुर्वेदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि ठाणे जिले में लॉकडाउन पर रिपोर्टिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। अपने आरोप में उत्कर्ष चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपना प्रेस कार्ड भी दिखाया, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि यह घटना ठाणे ग्रामीण पुलिस क्षेत्र के तहत पश्चिम उपनगर में दहिसर पुलिस चौकी के पास हुई। उत्कर्ष चतुर्वेदी ने ट्विटर के जरिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टैग करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने घटना के बारे में ठाणे ग्रामीण के SSP शिवाजी राठौड़ को भी सूचित किया, लेकिन इस संबंध में की गई कॉल और भेजे गए SMS का उन्होंने जवाब नहीं दिया। न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दे सुलझाने और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के हितों की रक्षा के लिए गठित न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन व अन्य पहल के तहत देश भर के न्यूज़ टेलीविज़न चैनल्स के हितों की दिशा में सरकार से तत्काल दखल देने की मांग की है। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय आदि को दिए गए ज्ञापन में NBF ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर पर पड़ रहे वित्तीय और व्यावसायिक असर का मुकाबला करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है। इस ज्ञापन में सरकार ने से मांग की गई है कि इस वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार को टैक्स में छूट दी जाए। वहीं यह स्थिति में सरकार को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को बचाने की दिशा में भी कदम उठाने चाहिए, जो हर परिस्थिति में लोगों को सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कोरोना से जंग लड़ रही आशा कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मियों
मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर का ऐलान किया, जिसका फायदा 20 लाख मेडिकल स्टाफ और कोरोना वायरस को मिलेगा। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर देश को जागरूक करने वाले पत्रकारों को इस बीमा कवर से दूर रखा गया है, लिहाजा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से पत्रकारों को उस विशेष बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया, जिसकी घोषणा सरकार ने गुरुवार को की। बता दें कि प्रेस एसोसिएशन ने कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखकर पत्रकारों के लिए भी 50 लाख रुपए की बीमा की मांग की है। उधर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि पर अपने कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। कपिल यादव, अमन यादव, वर्षा यादव, यश यादव, अजय कुमार ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। विद्रोही ने कहा कि चौधरी बंसीलाल जी से किसी के लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह निर्विवाद रूप से सभी मानते हैं कि हरियाणा के चहुमुखी विकास की नींव चौधरी बंसीलाल ने ही रखी थी। चौधरी बंसीलाल जहां बात के धनी थे, वहीं सही मायनों में विकास पुरुष भी थे। हरियाणा के ऐसे महान सपूत की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। साभार समाचार फॉर मीडिया कॉम।